हाँ तो फ्रेंड्स देखो, हम फाइनली आ गए हमारे सैमसंग के स्टोर पे। तो ये रहा हमारा गैलेक्सी S21 FE 5G। इसको देखो, अगर आप यूज़ करेंगे ना तो देखो इतना स्मूथ है यार, ज़बरदस्त चलता मालूम फ़ोन। बस आप खुश हो जाएंगे एक बार देखे तो। ये फ़ोन पर्सनली मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा, और ये जो डिस्प्ले है ना 120Hz डिस्प्ले है। हाँ तो फ्रेंड्स देखो, अभी हम लोग इनऑर्बिट मॉल में आए हैं। ये रहा हमारा सैमसंग का स्टोर। तो प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, जहाँ पर स्टोर पे गए थे सैमसंग का, वहाँ पर स्टॉक नहीं है। मैं ऑलरेडी क्या कर रहा, मैं देख के जो वहाँ पर रखा था उसको मैं पूरा स्लाइड करके चेक करके देख रहा था, बट लास्टली मेरे को सैमसंग में मिला। एक्चुअल वहाँ पर था, दूसरे एक स्टोर पे था जो ऑलिव कलर था और एक ग्राफाइट कलर था। तो मेरे को क्या है मालूम, ऑलिव तो ऑलरेडी भाई उसके से कुछ मसला हो गया, इसलिए वो कलर नहीं लेना है, वाइट कलर या तो लैवेंडर। पूरा हैदराबाद में चेक कर लिया, वाइट और लैवेंडर कलर कहीं पर भी नहीं मिला। बट यहाँ पर एक स्टॉक है, यहाँ पर एक ही रखा हुआ है बोल रहे, तो मैं आपको बताता हूँ वो है या नहीं है और क्या प्राइस में मिल रहा है। आ जाओ जल्दी आओ, अभी देखो हम लेते हैं नहीं लेते, देखो मोबाइल S23। अरे है ना यार S23 FE, ये तो S23 है, ये बहुत पसंद है मेरे को, देखने में अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, ज़बरदस्त है। मैम अभी कॉल कर रहा था मैं S21 FE के लिए। मोहम्मद अजहर, तमीम अंसारी बोले मेरे भाई, अभी फ़ोन करा था मैं, है बोले हाँ लैवेंडर कलर है बोले। हाँ S23 FE आया, S23 FE अभी तक स्टॉक। ये दोस्तों फाइनली मिल गया हमारे को हमारा S21 FE मॉडल, जो कि 2023 का ही है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था, वो ज़बरदस्त मोबाइल है। तो देखो फ्रेंड्स, फाइनली मिल गया हमको सैमसंग S21 FE का जो लैवेंडर कलर है, बड़ी मुश्किल से मिला भाई, ऐसा मैं लड़की को भी नहीं ढूंढा इतना जितना ये फ़ोन कैसे ढूंढना पड़ रहा। तो फाइनली हमारे सैमसंग स्टोर पे देखो अच्छा वेलकम करे, पानी का बॉटल है, कॉफ़ी भी मिल गया भाई की तरफ से। ठीक है चलो अभी ज़रा इसको। भाई आपका नाम? शिंदे सर के जो हमारी जो हॉस्पिटैलिटी बोलते ना सैमसंग स्टोर पे, बहुत वन ऑफ द बेस्ट रहा यहाँ पर इनऑर्बिट मॉल में। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे, पेमेंट तो हो गया, अनबॉक्स करके आपको इसका कैसा कलर है वो भी बता देता हूँ। ठीक है अभी ये ठीक है, आ जाओ भाई। ये रहा अपना फ़ोन, थैंक यू। अरे ये कलर वाओ दिख रहा, कलर अभी तो इसको कवर में से निकालना, ज़बरदस्त दिख रहा मोबाइल तो। वाओ क्या कलर है भाई, सीरियसली देखो इसको ऑन करता हूँ, पहली बार देखो अनबॉक्सिंग हम सैमसंग के स्टोर पे ही कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यूस प्रेस करके इसको ऑन रखता हूँ, ऑन हो जा हो जा हो जा। चार्जिंग है इसमें? नहीं है अभी तक, नहीं हुआ आप हुआ, बहुत लॉन्ग टाइम ले लिया है इन्हें ऑन होने के लिए। बट देखो डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है भाई, क्योंकि मैं प्रीवियस S20 FE का जो आपको बताया था मैं उसका भी रिव्यू करा था, उसका जो डिस्प्ले था नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले था, इसका डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है जो एकदम कॉन्ट्रास्ट इसका ज़्यादा है, और जो ब्लैक जो है ना स्क्रीन टोटली ब्लैक दिखता, जो देखने में व्यूइंग एंगल सब तरफ से बहुत अच्छा है। इसका बेजल्स अच्छा है मालूम, जो अपना S23 FE जो नया आया ना उसका बेजल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी आ गया भाई लेने के लिए। थैंक यू सर। और ये जो है 888 प्रोसेसर के साथ आ रहा है आपको, जो सैमसंग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, हाँ इसका उसके साथ ही क्या है आपको जो कैमरा का रेजोल्यूशन भी आपको बेटर होने वाला है, हाँ हाँ 888 प्रोसेसर, और एज वेल एज आपको जो बैटरी बैकअप है एवरीथिंग बेटर होगा। हाँ एंड मैं सर का एक फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ आपको कि हाउ इट्स बेस्ट फोटोग्राफी। हाँ एक बार देखो भाई फोटो, देखो अभी मैं आप पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर कर रहा हूँ सर का। क्वालिटी देखो भाई, कैमरा क्वालिटी देखो उसकी, और इसमें जो कैप्चर करने के बाद क्या है आपने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट में, जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट है, और एज वेल एज यहाँ पे स्टूडियो लाइक इफेक्ट है, ये हाई की मोनो है, जैसा कि लो की मोनो बैकड्रॉप, ये देखिए सबसे बेटर पॉइंट कलर पॉइंट ऑप्शन, मतलब आपको खाली कलर में रखेगा जो बाकी का बैकग्राउंड है कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसका ड्रैग द स्पॉट इनसाइड द सर्किल टू एडजस्ट द लाइटनिंग, जहाँ पे आप स्पॉट करेंगे वहाँ पे आपको लाइटनिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, और इसको एक बार अप्लाई करने के बाद जैसा कि अभी फोटोग्राफी तो हो गई आपकी, बट आफ्टर क्या होगा कि जैसा कि कभी ब्लर आ गया फोटो, तो आपने को क्या किया है सैमसंग ने यहाँ पे एक 3 डॉट्स को अगर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपने को रीमास्टर पिक्चर बोल के रहेगा,
सो आपके कभी बचपन के फोटोज से नॉर्मली कोई ब्लर फोटोज आए हुए हैं उसको आप रीमास्टरिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, वो एडवांटेज रहेगा। और इसमें देखिए, बिफोर देखिए, ये फ़ोटो मैं इसलिए कैप्चर किया कि ये फीचर दिखाने के लिए आपको, ये देखिए आप ही देखिए जो बिफोर एंड आफ्टर, जस्ट आप देखिए बहुत सारा आपको कॉन्ट्रास्ट, आपको सैचुरेशन, आपका नॉइस, पूरा एवरीथिंग आपको एनहांस करेगा इसमें। तो आपको वंस अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फोटो यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन रहेगा, ये जो ओरिजिनल इमेज है तो उसको आप सेव कर सकते हो यहाँ पर, अभी देखिए फ़ोटो क्लैरिटी। और इसमें ऐसा भी है कि नॉर्मली इसमें क्या है, बहुत सारे फीचर्स है, जैसा अभी मैं फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे सर का फ़ोटो ले रहा हूँ, सर का फ़ोटो लेने के बाद मेरे को लगा कि अरे यार मैं भूल गया कि यहाँ पे कप है, तो मेरे को कप को रिमूव करना है। तो इसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्ट इरेजर आएगा, जैसा कि आपको एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने से आपको क्या है यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे, ये 3 डॉट्स को अगर कैप्चर करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर है, इसको अगर क्लिक करेंगे आप तो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं आपको वहाँ पे अगर टैप करेंगे, ये जो कि अभी देखिए मेरे को ये कप नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो अनवांटेड चीज़ कम्प्लीटली इरेज हो जाएगी। देखिए जो अपने को जो डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे आप बीच में जा रहे हो नॉर्मली, बीच के टाइम पर बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं ना, तो उनको अपने को रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली इरेजर। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन भी जो भी आपके नॉर्मली क्या है, जैसा आपको फॉर एन एग्जांपल आप लाइट के अंदर फोटो कैप्चर कर रहे हो तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ जाएगा, वो रिफ्लेक्शन भी रिमूव कर सकते हो, वो एडवांटेज रहेगा। थैंक यू शिंदे भाई, थैंक यू। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, जो कि मैं शोरूम पर से परचेस करा, लेकिन आपको इसके स्पेसिफिकेशन नहीं बताया गाइस, अभी आपको स्पेसिफिकेशन बोल दूंगा। देखो ये जो मोबाइल है 5G मोबाइल है, और इस मोबाइल का जो कलर है मैं लिया हूँ लैवेंडर कलर का, और 8GB इसमें रैम है टोटल, और 256GB इसमें स्पेस मिलेगा, जो कि 32,000 में अभी ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी डील है सैमसंग की तरफ से। तो ये जो मोबाइल है यार, मुझे बहुत पसंद आया, और प्रीवियसली मैंने यूज़ किया था, और इसका कैमरा जो है ना वो ब्रिलियंट है, इसलिए मैंने परचेस किया। तो अभी आपको मोबाइल बताता हूँ, अरे यार ये, अरे मोबाइल कहाँ है, नहीं है यहाँ पर है, साइड में है। तो ये रहा हमारा मोबाइल। तो गाइस देखो मैंने क्या किया, ये लैवेंडर कलर का मोबाइल तो परचेस किया, और इसके पीछे जो बैक कवर है ना वो उसको लगा लिया यार, पहले प्रोटेक्शन करना है अपने मोबाइल को, और दूसरा क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया ताकि मोबाइल मेरा सेफ रहे। ठीक है, अभी आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको ऑन ऑफ़ करने के लिए वॉल्यूम रॉकर प्लस और माइनस कम ज़्यादा करने के लिए, और नीचे आपको टाइप सी आपको मिल जाएगा, और डुअल स्पीकर स्टीरियो स्पीकर आपको मिल जाएगा इस फ़ोन में। ठीक है, और बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, जो कि 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा, सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत अच्छा वाला है। ठीक है, अभी इसको ऑन करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो भाई सैमसंग का जो डिस्प्ले है ना, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले रहता है। ये जो डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है, जो कि डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले बोलकर यूज़ किया गया है सैमसंग की तरफ से, जो कि एकदम इसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है और कलर्स है एकदम क्रिस्टल क्लियर और शार्प दिखते हैं आपको, मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा कैसा है। और दूसरा, इस मोबाइल में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपको। देखो ये चलने में बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट रहता, जो कि ज़रा भी ग्लिटर या मतलब कुछ भी ग्लिच नहीं आएगा, तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए बेस्ट है ये मोबाइल। और साथ ही साथ इस मोबाइल पे आपको जो फ्रंट जो ग्लास दिया गया है, गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, जो कि विक्टस बोलकर है, जो कि एकदम स्ट्रांग है, अगर आपका मोबाइल कहीं पर भी गिर भी गया ना तो आपका मोबाइल एकदम प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में इस मोबाइल में आपको IP जो 68 बोल के इसमें रेटिंग मिला है, जो कि आप अपना मोबाइल अगर पानी वगैरह में गिर गया, अगर कुछ स्प्लैश पे आया पानी के, कुछ छीटे वीटे गिरे तो भी आपका मोबाइल क्या है सेफ रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल है इसका जो डिस्प्ले है 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है टोटली, और इसका जो बेजल्स है ना बहुत थिन है, साइड्स में अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो बेजल्स है बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे S23 FE जो अभी नया लॉन्च हुआ है, उसके जो बेजल्स है थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मेरा पर्सनल चॉइस हो गया था कि नहीं यार मुझे बेजल्स छोटे वाले होना है। और S21 FE भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जो कि जुलाई 2023 में ही लॉन्च हुआ था, ये नया वाला ही मोबाइल है, तो मैं सोचा कि यार वो लेने से अच्छा तो ये अच्छा दिखेगा मोबाइल बोलकर मैंने इसको परचेस किया। और आप साइड्स में देखेंगे ना तो इसको एल्युमिनियम फ्रेम भी दिया गया है, जो कि स्ट्रांग रहता, और बैक साइड में यहाँ पर आपको देखो प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया गया है, जिससे क्या है आप स्क्रैचेस अगर बिना कवर के भी यूज़ करेंगे तो कुछ भी स्क्रैचेस आपके फिंगरप्रिंट्स कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेंगे, जो लॉन्ग टर्म अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप ये मोबाइल। एक काम करता हूँ, इसका जो वीडियो क्लैरिटी है वो आपको बताता हूँ, देखो आपको जब भी समझ में आएगा ये चलने में कैसा है। ठीक है, देखो I'm not afraid to die.
इसका ऑडियो कैसा है वो देखो। वन ट्वेंटी हर्ट्स का जो मज़ा है ना आपको सिर्फ इसके जो ओएस है उसमें ही नहीं, अगर आप यूट्यूब पर भी अगर कुछ भी सर्फिंग कर रहे हैं ना तो देखो इतना स्मूथ स्क्रॉल होता है भाई, मज़ा आया था। उसके बाद अगर आप 60 हर्ट्स अगर मोबाइल यूज़ करेंगे ना तो आपको जब मालूम होगा कि यार वो बहुत स्लो है बल्कि, ठीक है। तो देखो बहुत ज़बरदस्त है भाई, चलने में तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बात आपको बताऊँगा कि प्रीवियस जो वर्जन थे इसके सैमसंग के, उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर था ना वो ज़रा स्लो था, बट इसका ज़रा फास्ट है, पता नहीं क्या करे वो। देखो पहले टच करने पर आराम से जल्दी से एक्सेस हो जा रहा है, वो जस्ट एक ही उसमें आ जा रहा है और फास्ट काम कर रहा है मालूम, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ में इस मोबाइल में आपको इसका सॉफ्टवेयर बोलूँ, इसका जो ओएस है अभी बताता हूँ, ठीक है। ये रहा इसका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ, अभी के लिए तो ये वन यूआई वर्जन 5.1 है, बट सैमसंग की तरफ से 6.0 भी आने वाला है। और साथ में मुझे इस बॉक्स के अंदर जो मोबाइल है ना इसमें आपको मिला है एंड्रॉयड वर्जन 13 मिला है, तो 14 पता नहीं कब आएगा, बट एज ऑफ नाउ अभी तो फिलहाल के लिए 13 है इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है ना 1 अगस्त 2023 दिया गया है, जो कि ये जो मोबाइल है जुलाई 2023 में ही लॉन्च हुआ, तो ये जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो भी अच्छा है, रिसेंट वाला है। और साथ में आपको जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 5 साल का अपडेट दे रहे हैं सैमसंग की तरफ से, और जो इसका जो और सॉफ्टवेयर का जो अपडेट है जो ओएस का वो है 4 साल का अपडेट आपको मिल जाएगा इस मोबाइल के साथ। तो भाई बहुत ब्रिलियंट मोबाइल है अभी एट प्रेजेंट, तो जो ये जो लैवेंडर कलर है ना ये कलर बहुत बहुत लाइक लिमिटेड एडिशन हो गया है, अभी मिल नहीं रहा है लैवेंडर कलर। और प्लस जो वाइट कलर है बहुत डिमांड में है, पब्लिक बहुत जने पूछ रहे मुझे क्या है, लकीली मिल गया ये कलर। अभी एक काम करता हूँ, और हाँ आपको जो दूसरा जो बॉक्स के अंदर मैं बताया नहीं, बॉक्स के अंदर देखो भाई एक चीज़ इसमें कमी है, जो हमारा चार्जिंग एडाप्टर है ना वो नहीं मिला है हमको, सिर्फ मिला है इसके अंदर क्या है टाइप सी टू टाइप सी जो है ना हमारा केबल वही मिला है, और दूसरे कुछ पेपर्स वगैरह है जो कोई नहीं पता है, वारंटी कार्ड है और क्विक गाइड है समथिंग कुछ पेपर्स है। तो ये रहा सब मटेरियल इसके साथ, बस आपको अगर इसका जो चार्जिंग अडैप्टर है बाहर से इसको परचेस करना पड़ेगा। बट मेरे लिए तो भाई ये जो मोबाइल है 32,000 का बहुत ब्रिलियंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो कैमरा के जो सेटअप है मैं आप इसके वीडियोस और फोटोज़ कुछ लिया हूँ मैं आपको बता दूंगा कि इसकी क्लैरिटी कैसी है, बहुत अच्छा है। इसका ओएस भी बहुत ब्रिलियंट काम करता है इस मोबाइल का, और फ्रंट सेल्फी कैमरे से भी आप बहुत अच्छे से वीडियोस भी ले सकते हैं, फोटोज़ भी ले सकते हैं, और व्लॉगिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ बस ओएस नहीं है फ्रंट में, बट ठीक है उसमें भी अच्छा चल रहा था, मैंने देखा है रिकॉर्डिंग, अभी आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ इस मोबाइल में देखो कंपटीशन चल रहा है एंड्रॉयड का, आईफोन का और सैमसंग का, दोनों की वॉर चल रही है। और एंड्रॉयड अगर परचेज़ करने गया सैमसंग का तो ये बहुत कम प्राइस में मिल गया मुझे 32,000 का ऑफलाइन में, और अगर मैं आईफोन लेने गया तो 70 या 75,000 बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहा है। बट उसमें और इसमें अगर आप कैमरा कंपैरिजन करेंगे ना तो उसको मैं 10 पॉइंट दूंगा आईफोन को, हाँ वो थोड़ा अच्छा है कैमरे में, बट ये जो इसका जो कैमरा है वो भी वो मोबाइल से कुछ कम नहीं है, इसको 9 पॉइंट दूंगा। तो सिर्फ 1 पॉइंट के लिए मुझे डबल प्राइस देना पड़ेगा आईफोन के लिए, तो ये जो प्राइस में ये जो स्पेस है और ये रैम है और ये क्लियर विनर होगा मेरी तरफ से, इसका जो डिस्प्ले है सब कुछ A1 है और बेस्ट है, और मैं आपको एडवाइस करता हूँ सजेस्ट करता हूँ कि यही मोबाइल परचेस करो, ठीक है। इस मोबाइल में आपको जो बैटरी मिलेगा 4500 का,
जो कि बहुत ज़्यादा होता है यार, 1.5 डे आपको आराम से चल जाएगा। और साथ में ये जो बैक साइड पे आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिलेगा और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं आप, जैसा कि आपका कोई स्मार्ट जो होता है ना ईयरपॉड, और या तो आपका जो स्मार्ट सैमसंग गैलेक्सी का वॉच है उसको भी लगाकर आप चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है यार, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल HD 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर, देखो अभी कैसा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्रॉप कर लिया ये, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और ज़्यादा भी ऐसा शेकी नहीं दिख रहा वीडियो सेल्फी में भी। अगर आप अपना हाथ स्टेबल रखे तो अच्छा रिकॉर्ड कर लेता ये। और अभी देखो रिकॉर्डिंग कैसा आ रहा है फुल HD में, तो मेरे ख्याल से तो अच्छा लग रहा है। और जो आवाज़ है मेरी रिकॉर्ड कर रहा है ये अपने मोबाइल से ही, कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया, आवाज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है ये। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेल्फी कैमरा जो कि 32 मेगापिक्सल का है, और 4K वीडियो शूट कर रहा हूँ USD 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो अभी देखो मैं चल रहा हूँ और अपना हाथ एकदम स्टेबल रखा तो अच्छा लग रहा है, और देखने में भी बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई। अभी 5:30 के अबाव हो गया है टाइम, तो शाम का टाइम है, रिकॉर्डिंग कैसा रहा है, और सामने जो मेरा मोबाइल है ना उसी से मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वॉइस कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। ये रहा मेरा सेल्फी कैमरा जो कि अभी मैं USD 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर लगाया हूँ, और देखो अभी कैसा आ रहा है रिकॉर्डिंग। बट भाई इतना अच्छा, आप ये जो मोबाइल है ना, आप ब्लॉगिंग अगर करना चाह रहे हो तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, बट इसको क्या है थोड़ा सा गिम्बल या कुछ तो भी ले लो तो ज़्यादा मूव शेक नहीं होगा, सेल्फी कैमरे से भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखो कैसा आ रहा है, मस्त है ना, बहुत ज़बरदस्त है भाई, कैमरा तो मज़ा आ गया, और रिकॉर्डिंग जो वॉइस है ना वो भी बहुत अच्छी कैप्चर कर रहा है ये सैमसंग फ़ोन। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल HD 60 FPS पे, तो देखो गाइस बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है, और मैं अपने हाथ से ही पकड़ा हूँ। और दूसरा क्या है बोले तो जो मेरी वॉइस है वो तो भाई ज़बरदस्त कैप्चर कर रहा है, इतना क्रिस्टल क्लियर आवाज़ मेरी रिकॉर्डिंग आ रही है फ्रंट कैमरे से जो 32 मेगापिक्सल है, भाई हाईलाइट है। अगर आप लोगों को ये मोबाइल परचेस करना है तो मैं तो 100% रिकमेंड करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मोबाइल है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स ये हो रहा है हमारे बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग जो कि FHD 30 FPS पे, देखो कैसा आ रहा है रिकॉर्डिंग। कैमरा तो भाई ज़बरदस्त है, मैं देख लिया रिकॉर्डिंग, देखने में तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी अगर वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये जो मोबाइल है ज़बरदस्त है। देखो अभी मैं माइक भी नहीं लगाया, जो भी मेरी वॉइस है वो कैमरे के थ्रू ही कैप्चर कर रहा है, तो कितनी क्लियर आ रही है वो भी देख लो आप लोग। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है FHD 60 FPS पे, तो देखो अभी कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख लो इसकी रिकॉर्डिंग कैसी आ रही है आप लोगों को, आप खुद जज करो। और मेरी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, आवाज़ आना बोल के, आप मेरा जो मोबाइल है मैं काफ़ी दूर हूँ, 3-4 कदम के दूर हूँ, तो मेरी आवाज़ अच्छे क्लियर रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है देखो मोबाइल्स में। तो अभी देखो कैसा लग रहा है, आ रहा है अच्छा, अभी देखो रिकॉर्ड हो रहा है USD 30 FPS पे, तो अभी देखो आप कैसा आ रहा है, क्योंकि कौन सी वीडियो है बैक साइड से, तो मूवमेंट देखो, अभी जो हमारे कैमरा जो कैरी कर रहे हैं वो भाई ज़रा उल्टा जा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है थोड़ा शेक, लेकिन ज़्यादा तो शेक नहीं होगा, देख लो मूवमेंट शेक हो रहा है क्या वीडियो चलने पर या कुछ भी, देखो आप लोग कैसा है इसका OIS कैसा कर। अभी देखो हम लोग USD 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो कि 4K वीडियो है बैक साइड हमारे रियर कैमरा से उससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो अभी देखो जज करो कैसा आ रहा है, वीडियो क्लैरिटी कैसी आ रही है। शाम का टाइम है तो अभी देखो थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है आप लोग देखो, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैसा है वीडियो क्लैरिटी कैसी है, मेरी आवाज़ कैसी ले रहा है, मैं पास में आके बोलूँ आवाज़ कैसी आ रही, अच्छी आ रही नहीं आ रही, तो अभी देखो आप लोग कैसा दिख रहा है, अभी देखो पूरा मूवमेंट करके बता रहा हूँ, और मेरी आवाज़ कैसी आ रही वो ज़रूर जज करो, क्योंकि विदाउट माइक है, कोई भी माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारा मोबाइल है उसी से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ तो गाइज ये रिकॉर्ड हो रहा है डुअल वीडियो, ये मेरे सामने चाचा है, आपको दिख रहे होंगे, ये मेरा फेस है, मैं हूँ मोहम्मद रियान, कैसा रिकॉर्डिंग आ रहा है वो देखो भाई, मेरा फेस है कहता है, तुम्हारा भी फेस रहता है, दूसरों का रहता क्या, अब ये yes. रिकॉर्डिंग तो बैक और फ्रंट एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मेरे भाई है फरहान, ये देखो आप डुअल वीडियो में, ये देखो चाचा, ये रनिंग हो रही, ये ऊपर जाना है, ये आ गया, ये पकड़ लिया, ये या चाचा जल्दी आओ स्ट्रिंग पी लेते हैं। अरे अभी मैं आया ऊपर, ये अपने चाचा नेहरू का व्यू, कैसा है मस्त। तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है USD
30 FPS पे वाइड एंगल कैमरे से ले रहा हूँ जो कि 12 मेगापिक्सल है, तो आप लोग देख लो कैसा आ रहा है, ठीक है। के बैक साइड का कैमरा देखो इतनी जल्दी फोकस कर रहा है, जो बॉटल है हमारा स्टिंग का देखो आप, इसका जो फोकसिंग है ना वो ब्रिलियंट है, ज़बरदस्त है। इस प्राइस रेंज में जो मोबाइल है ना भाई ज़बरदस्त है, 32,000 रुपीज़ में अगर आप लोगों को मिल रहा है ये मोबाइल तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसका फोकसिंग सिस्टम है ना वो बहुत ब्रिलियंट किया गया है सैमसंग की तरफ से। So friends, finally I have bought my Samsung Galaxy S21 FE mobile with a great price, that's 32,000, full swipe with HDFC card, no EMI, nothing, right? तो मैं इंग्लिश में कहीं को बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, मैं अपना मोबाइल ले लिया, परचेस कर लिया S21 FE, और ये जो अपना जो नया Samsung की वॉच है ना वो भी ज़बरदस्त है, ये Samsung Galaxy 6 है शायद, वॉच 6 क्लासिक, तो भाई ज़बरदस्त है देखो, वाओ सुपर है, इसको थिन कर दिया मालूम पूरा बेजल को देखो, और देखने में डिस्प्ले भी बहुत बड़ा दिख रहा मालूम। मेरा जो वॉच है उसको एक्सचेंज करेंगे क्या बोल के सोच रहा हूँ मैं मालूम, अच्छे दिख रहे ना भाई, सुपर है भाई, एक बार इसका भी ऑफ़र पूछूँ, बट एक्सचेंज ऑफ़र में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जो मेरा जो वॉच है ना सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, उसका भाई एक ही दिन के अंदर पूरी बैटरी ड्रेन हो जा रही मालूम, मतलब पेन के आया थोड़ी देर अगर चार्ज नहीं कराना ख़त्म, डेड हो जा रही है, इमरजेंसी में अगर कहीं जाना है तो उसकी जो बैटरी है काम नहीं कर रही, तो एक बार पूछ लेता हूँ एक्सचेंज ऑफ़र है नहीं है, ठीक है भाई। वो जो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक मेरे पास है घर पर खरीदा सो, बट प्रॉब्लम क्या है मालूम, उसमें एक ही दिन में बैटरी ड्रेन हो जा रही है एक दिन में, अब मैं क्या कर रहा हूँ घर पे लेके जाके ऐसा रख दे रहा हूँ, जाके सो गया बोले तो ख़त्म, अब नेक्स्ट डे इमरजेंसी में जाना है तो ख़त्म, बैटरी नहीं है, तो मेरा ऐसा पर्सनल है कि एक्सचेंज कर सकता हूँ क्या, कुछ है क्या ऑफर नहीं होता सर, बट आपको क्या है अभी वॉच 6 क्लासिक पे बढ़िया ऑफर चल रहे हैं, जैसा कि इसका अभी LTE वर्जन देख रहे हो आप 43999 है, तो अगर एनी लीडिंग क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो ना तो आपको स्ट्रेट अवे आपको 8000 इंस्टेंट डिस्काउंट आ जाएगा, अच्छा, तो इसका इफेक्टिव प्राइस हो गया 35999, जो आपको वॉच 4 से और वॉच 6 के आपको बहुत सारे डिफरेंसेस है, फर्स्ट थिंग आपको जो बेजल है ना ये 15% स्लिमर हो गया है, ये आपको क्या है वो गोरिल्ला ग्लास DX प्रोडक्ट का आपको जो डिस्प्ले है ना जो ग्लास आएगा इसका क्या है सफायर क्रिस्टल डिस्प्ले रहेगा, और एज वेल एज इसका जो बैटरी लाइफ है आपको उससे बेटर रहेगा, और इसका जो रैम है आपको 2GB आया है वो 1.5GB है, तो इसका प्रोसेसर है W930 प्रोसेसर, तो आपसे उससे आपको अपग्रेडेड, बट एक्सचेंज कर लो ना भाई एक्सचेंज कर लिया तो अच्छा है ना, और घर में जल्दी सैमसंग क्या कर दिया आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया उसको, हाँ दिए डिस्काउंट बोले तो जो प्री बुकिंग कस्टमर के लिए 6000 कैशबैक था 4000 अपग्रेड था, हाँ हाँ, तो 10000 था उसके, बट वो लेके भी मैं एक साल नहीं हुआ, तो बेटर ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है थैंक यू, वही देख रहा था मैं अगर कुछ है तो एक्सचेंज बेटर मॉडल है मगर, अच्छा जैसा आपको थोड़ा डिफरेंशिएट पता चलता है, हाँ हाँ मालूम है, वो दिख रहा है स्लीप एनहांसमेंट जो है ना बहुत सारा इंप्रूवमेंट है, ठीक है थैंक यू हैव अ नाइस डे, यू टू भाई, चलो निकलेंगे, हो गया नो एक्सचेंज, वॉच पे एक्सचेंज करने का ऑफर नहीं है कहते भाई, ये देखो हमारा इनऑर्बिट मॉल यहाँ से आए, ऐसा भी जा सकते तो एक काम करेंगे ऐसा जाएंगे, ठीक है आ जाओ पूरा मॉल बताऊँ क्या, देखते मॉल कैसा है हमारा इनऑर्बिट मॉल, बहुत बड़ा है आज, पब्लिक भी कम है आज क्या है आज वेडनेसडे है, मैं कैसा दिख रहा हूँ देखो, अच्छा दिख रहा हूँ मेरा सैमसंग दे दो, देखो S21 FE ले लिए, हम मोबाइल ले लिए,
भाई सर्विस तो अच्छी थी उन लोगों की, क्या वो बंदा अच्छा था शिंदे? नहीं वो बंदा अच्छा था, अच्छे से एक्सप्लेन करा बंदा, तो वो मैटर करता। देखो अगर जहाँ पर भी जाओ अगर वहाँ के सेल्स रेप अगर आपसे अच्छा बात नहीं करे ना, तो भाई वहाँ से परचेस करना ही दिल नहीं बोलता मालूम। तो यहाँ पर सैमसंग ने जो लोग सेल्स रेप थे बहुत ज़बरदस्त थे, फ्रेंडली थे और अच्छे से एक्सप्लेन करे, और फाइनली मैं परचेस कर लिया अपना मोबाइल एप्ट्रॉनिक्स। भाई बहुत कोशिश करा मैं आईफोन ख़रीदने के लिए, तो आईफोन तो परचेस नहीं कर सका एप्ट्रॉनिक्स पे से। बट सुनो एक बात बोलूँ, जितना कम प्राइस में आपको मोबाइल मिल रहा तो वो परचेस करो, क्योंकि ये डिप्रिशिएट अमाउंट हो जाता है मोबाइल का, जितना ज़्यादा प्राइस है उसका वापस रीसेल करने गए तो नहीं मिलता आपको। तो इसीलिए जितना कम पैसे का जो मोबाइल है वो परचेस करो, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस भूलना मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए चलता हूँ, बाय बाय। इधर इधर एक चीज़ बता दो, इधर इधर देख देख देख, इन्हें सेम हमारे फरहान कैसे है नहीं, देखो फरहान कैसा है, देख इधर देख ऐसा बैठे हुआ है फरहान है ये नहीं। अरे यहाँ पे पूछेंगे क्या भाई, यहाँ बहुत महंगा रहता भाई। हाँ यहाँ पूछे तो टोपी डाल देते ना, पूछ ना हाँ स्क्रीन कार्ड डालते, पूछू स्क्रीन कार्ड भाई 100 रुपये में डालता डाल दे बोलते।